तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro के यूज़र्स के लिए इंडिया में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। फाइनली Xiaomi की तरफ से इस स्मार्टफोन में लेटेस्ट मार्च 2021 का जो है लेटेस्ट अपडेट वो रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अपडेट का जो वर्जन है वो MIUI 12.0.4.0 का ये लेटेस्ट अपडेट जो है इस स्मार्टफोन में रोल आउट किया गया है। और इसके अपडेट की जो फाइल थी अराउंड 667 MB की है, और इसमें आपको जो है मार्च 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको इसके चेंज लॉग में जो है फरवरी का जो है सिक्योरिटी पैच शो करा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन अंदर से आपको इसमें जो है मार्च का अपडेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप अपडेट करते हैं तो आपको मार्च का शो वहां पर दिखेगा स्मार्टफोन के अबाउट सेक्शन में, तो यानी कि इसमें आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके सिस्टम की स्टेबिलिटी को और इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। स्मार्टफोन पहले से भी ज़्यादा स्मूथ जो है चलने लग गया है। इसके अलावा हल्के फुल्के जो गैलरी का जो एडिट वाले सेक्शन है, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो, तो वहाँ का लेआउट थोड़ा चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर आपको कुछ नए फीचर्स जो ऐड कर दिए गए हैं, कुछ नए फिल्टर्स ऐड कर दिए गए, तो वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो वो भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है, कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव की गई है, उसकी गैलरी में थोड़ा UI थोड़ा अंदर से जो एडिट वाले सेक्शन है वहाँ से थोड़ा इंप्रूव किया गया है, तो ये कुछ हल्के फुल्के इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ अपडेट में नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी Redmi Note 9 Pro है तो आप भी अपने स्मार्टफोन में इस अपडेट को चेक कर सकते हो। अगर आपको ये अपडेट रिसीव हो चुका है OTA के थ्रू, तो आप भी अपने स्मार्टफोन में इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके बाद आपके भी स्मार्टफोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच विद परफॉर्मेंस जो है आपके स्मार्टफोन की इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं रिसीव हुआ है तो आप कुछ दिन का वेट कर सकते हैं, आपको OTA के थ्रू ये अपडेट कुछ दिनों बाद रिसीव हो जाएगा, या फिर इसका जो अपडेट का OTA का जो मैनुअली लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मैनुअली भी अपडेट को डाउनलोड करके जो है अपने स्मार्टफोन में चूज पैकेज करके इंस्टॉल कर सकते हो, तो लिंक पर नीचे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन निकल गया थी लेटेस्ट Redmi Note 9 Pro के लेटेस्ट अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।